मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम जोर शोर से चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इसके लिए 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण भी कर रहा है। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर का 21 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत होगा। खास बात यह है कि भूमिगत हिस्से में ही समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है। अरब सागर के नीचे 7 किलोमीटर लंबी यह सुरंग भारत की पहली अंडरसी रेलवे सुरंग होगी। इस सुरंग की गहराई जमीन से 25 से 65 मीटर तक होगी। सुरंग के निर्माण के लिए 3 दैत्यकार मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मशीनों को काम पर लगाने के लिए घनसोली, सिलफट्टा और विक्रोली में खुदाई जारी है। इस साल के अंत तक आपको बता दें कि पहली टनल बोरिंग मशीन के काम शुरू होने की उम्मीद है। 30 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत मार्ग के निर्माण में खासकर समुद्र के नीचे वाले 7 किलोमीटर के हिस्से में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि समुद्र तो तगड़ी चुनौती देगा ही, साथ ही कई तरह की तकनीकी दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ सकता है। समुद्र के नीचे बन रही यह सुरंग एक सिंगल ट्यूब सुरंग होगी। इसमें बुलेट ट्रेन के आने और जाने के लिए 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे। खास बात आपको बता दें कि समुद्र के नीचे से भी बुलेट ट्रेन अपनी फुल स्पीड यानी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 21 किलोमीटर लंबा यह भूमिगत मार्ग महाराष्ट्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलपाता तक बनाया जा रहा है। थाने क्रीक में समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। कुल 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर के हिस्से में खुदाई के लिए 13.1 मीटर व्यास वाले कटर हेड लगी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर मेट्रो के लिए सुरंग बनाने को 5 से 6 मीटर व्यास वाले कटर हेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 16 किलोमीटर में खुदाई को लेकर के 3 टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बचे 5 किलोमीटर के हिस्से की खुदाई नी ऑस्ट्रियन टनिंग मेथड के जरिए होगी। आपको बता दें कि देश में पहली बार समुद्र के नीचे सुरंग बनने जा रही है, इसलिए अपने देश में इस तरह की टनल बोरिंग मशीन अब तक नहीं है। इसके लिए अब अलग अलग देशों से TBM के पार्ट्स मंगाए जा रहे हैं और यहीं पर असेंबल किए जाएंगे। इसके बाद खुदाई का काम शुरू हो जाएगा।